मेरा नाम भगत सिंह, मैं श्रीगंगानगर से राजस्थान से, और मेरे बच्चा जिसका ऑपरेशन हुआ था, विद्या नाम है उसका। जैसे कोई आवाज़ होती तो ये उससे ऐसे घबराने लग गया शुरू शुरू, लेकिन घबराहट धीरे धीरे जैसे इसकी बढ़ती गई, फिर ये धीरे धीरे गिरने लगा। फिर उसके बाद तुम साथ में आ जाता गिरता था। फिर ये ज़्यादा हो गया तो हम जयपुर से दवाई दिलाई फिर इसको, फिर वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे घर पे माहौल हो जाता है, सभी इसको देख के तंग परेशान हो जाते, इसकी मम्मी ज़्यादा दुखी हो जाती। फिर हम हिसार जिंदल हॉस्पिटल से, उन्होंने डॉक्टर ने बताया भी आप वहाँ जाओ तो वो इसका कुछ बता सकते। फिर मेदांता हॉस्पिटल में लेके आए डॉक्टर आत्माराम और डॉक्टर आदित्य, दोनों ने इसको इलाज शुरू किया। फिर उन्होंने सर्जरी के लिए बोला। हमारे पास उदय राज आया था जो 8 साल का बच्चा था, और उसकी एक बड़ी गंभीर प्रॉब्लम थी कि उसको दिन में कई बार दौरे पड़ते थे। हमने जब यहाँ पे मेदांता में टेस्ट किए सारे, तो हमें मिला कि ये जो सारे दौरे थे ब्रेन के लेफ्ट साइड से आ रहे थे। हमने इस बच्चे के लिए एक खास तरह का ऑपरेशन प्लान किया जिसको कहते हैं हेमिस्फेरोटमी। तो इस ऑपरेशन में हमने क्या किया कि ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है उसको हमने ब्रेन के डीपर पार्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया सब जगह से, वो ऊपर की लेयर में ही रह गई। इसके बाद हमने देखा कि बच्चे की रिकवरी बहुत बढ़िया रही। ऑपरेशन के दूसरे दिन के बाद से ही बच्चे को किसी भी तरह का दौरा पड़ना बंद हो गया, जो कि पहले दिन में 6 से 8 खराब किस्म के दौरे पड़ते थे। सर्जरी के बाद हम उसको लेके गए तो सब पूरा परिवार हमारा खुश हुआ और हम सब खुश थे। और ये अब बिल्कुल सही है, स्कूल जाता है, आराम से पढ़ता है और खेलता है।